अरे राजीव गांधी यूनिवर्सिटी एक प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है, नॉलेज की हब है। यहाँ एक से एक बढ़कर तमाम जानकारी लोग है, यहाँ प्रोफेसर लोग है, एक से एक बढ़कर पोस्ट ग्रेजुएट बच्चे लोग है। दुनिया में हर जगह घूमा लेकिन इस अरुणाचल जैसे प्रदेश नहीं देखा, जिसमें माता पिता, बेटा बेटी, भाई बहन, सब परिवार, सब लोग जो है एक साथ बैठ के एक ही चौका में एक अपना हर एक प्रोस्पेक्टिव शेयर करता है। तो इतना फ्रेंडली ऐसे प्रोस्पेरस परिवार नहीं देखा है बोल के ये उनका रिकमेंडेशन था। इसके लिए हम लोग हमेशा बहुत ज़्यादा जो है आभारी है मोपिन। सो हियर टुडे लेट अस डांस, लेट अस एंजॉय दिस सेलिब्रेशन। So I will not speak more here. Festival is in festival, we should enjoy. So in this campus, we started celebration Mopin in 1993. सबसे बहुत पुराना है 93 लोग के मोपिन मोहग्रेब ने मंगुन कैंपस को। हाँ, ये हमारा गालो समाज मोपिन सेलिब्रेशन शुरू कर रहा है और गालो समाज इस मोपिन सेलिब्रेशन में आने था को एकता सुंदर बागीचे का फूल की तौर पे सेलिब्रेशन कराता है एंथर अरुणाचल में। और ये सेलिब्रेशन एक अरुणाचल को एक मैसेज छोड़ देता है कि रिच कल्चर उसको मेंटेन अपना बरकरार रहने के लिए ये है। जी तो इंदी अरुणाचल में होने जा रहा है इस बार, तो क्या कहेंगे आप? ये तो एक बहुत ही हमारा अरुणाचल के लिए एक गर्व की बात है कि यहाँ हमारा पेमा खांडू सरकार उसका लीडरशिप में यहाँ G20 समिट बैठा रहा है कि अरुणाचल में इतिहास में कभी ऐसे नहीं हुआ है। और अरुणाचल स्टेट एक सेंसिटिव जो तीन बॉर्डर जो कंट्री को भूटान, बर्मा, चाइना को यहाँ कवरिंग स्टेट है, तो इसमें G20 समिट हो रहा है कि हमारा अरुणाचल सब निवासी के लिए एक गर्व की बात है। और उसको तन और मन से कि चाहे वो फिजिकल जब पार्टिसिपेट करे ना करे कि सब अपना भगवान को दुआ मांग दे, उस जितना इस G20 समिट में डेलीगेट आया है और सरकार को जितना ऑर्गेनाइज करा रहा है जिसने भी, उसका स्वास्थ्य अच्छा बनने के सब ने कि चर्च, मंदिर, मस्जिद में सब प्रेयर कर देना है कि इस G20 समिट जो ग्रैंड सक्सेस हो, इस G20 समिट से हमारा अरुणाचल और ज़्यादा उसका रिच फ्लोरा प्लोना का एक्सप्लोर हो जाएगा, जानेगा और यहाँ इन्वेस्टर आएगा, सबका खुशहाली होगा। पेपर लिखे जिस में आप कुछ कहेंगे? नहीं, वो तो मुझे कुछ कहने का है ही नहीं। सरकार ने ऑलरेडी निर्णय ले लिया कि जो जो डिमांड किया है सरकार ने करने ले लिया, तो उसमें मैं हो ही कहना चाहूँगा कि जैसा हमारा आपसू जो एपेक्स एशियन यूनियन है कि उसका जो स्टैंड है तो सबका अच्छा के लिए स्टैंड है, और इससे सरकार भी सबका अच्छा के लिए स्टैंड किया, तो जो सरकार स्टैंड लिया अच्छा के लिए स्टैंड लिया, बस एक ही है ये नालन बाय। तो ये मेरा हिसाब से ये वो स्टैंड सही नहीं है, नालन बाय को तो गलत को कैसे पकड़ा जाएगा? जब सिस्टम ही पूरा बंद करेगा तो दखन बना हुआ तो कौन गलत है उसको कैसे पकड़ा जाएगा? आप मतलब नालन बाय के खिलाफ है? खिलाफ नहीं है, नालन बाय तो ब्लाइंडली डिसीजन लेना ये गलत होगा जी। उसके बाद मतलब अभी हम लोग का देखा जाए तो हर ट्राइब का जो ट्रेडिशनल यही है सिविलाइजेशन, तो यही ट्रांसफॉर्म रिफॉर्म है। तो जैसे सिविलाइजेशन हिसाब से जैसे अभी हमारे ट्रेडिशनल जो ड्रेस को कि मॉडर्न वे में जो करा रहा है, तो ये एंटर हमारा भारतवर्ष में इसी को सब कस्क्रीट जात नहीं बोल के उसको सब ड्रेस को
पहन सकता है, उस तरह इस तौर पे ही लेके ये ट्रेडिशन ड्रेस को मॉडर्न वे में बना रहा है। ये एक ट्रांसफॉर्म रिफॉर्म इसी को कहा जाता है। G20 का समिट होने वाला है, हम लोग का यूथ के लिए बहुत एक सीख मिलेगा शायद ये मीट से, तो आप यूथ एम्पावरमेंट के लिए क्या बात करना चाहेंगे? तो G20 जो है हमारा खास के इसे गवर्नमेंट ने आने वाला अरुणाचल की टीम अरुणाचल को ध्यान रखा, अरुणाचल की आत्मनिर्भर अरुणाचल के लिए ये लेके आए, तो हमारे युवा फेरी लोग उसमें सब आगे बढ़ के उसको पार्टिसिपेंट को की तहे दिल से स्वागत करना है, और इस G20 ने क्या क्या उसको जानकारी लेके उसको हम आगे लेके चलना है। गुरु साहब, आप सबका तो प्रेसिडेंट है, मोपिन के लिए आपका क्या मैसेज है? आज हमारा गलो समुदाय का जितना हमारे परिवार को आई विश यू ऑल ए वेरी हैप्पी मोपिन। उसका बाद आज जिमी आने का जो आशीर्वाद है और अनिप को पिंटे से भी हम लोग ये दुआ मांगते हैं कि हमारा गालो समुदाय, हमारा गालो परिवार, इन पर्टिकुलर अरुणाचल एज ए होल, कि हम लोग फ्लोरिश रहे। और आज एक बहुत खुशी का दिन है क्योंकि हमारे जो गालो समाज और हमारा जितना अरुणाचल का जितना समुदाय, जितना वर्ग के लोग हैं, वी आर रिच इन ट्रेडिशन, वी आर रिच इन कल्चर। तो आज का मोपिन में आके हमारा यही मैसेज था कि हम जो है सबसे पहले अपना ट्रेडिशन, अपना कल्चर को प्रिजर्व करें, क्योंकि हम लोग अलग देश से, अलग लोगों से, जनजाति से, इसके लिए अलग है हमारा अरुणाचली, क्योंकि हमारे पास बहुत रिच कल्चर ट्रेडिशन है। तो हम यही मैसेज देना चाहेगा कि हमको पूर्वजों ने जो संस्कार, जो हम लोग को इनहेरिट किया, यही इनहेरिटेंस जो है हम लोग जो प्रिजर्व करके नेक्स्ट जनरेशन को दें।